हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्जा और आप देख रहे हैं अभी टैक। तो दोस्तों, आईलेट्स के एग्ज़ाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आपके आसपास और आस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो विदेश में जाकर पढ़ने या काम करने की इच्छा रखते हैं, या कुछ लोग गए भी होंगे और आपने उन्हें यह कहते सुना होगा कि दूसरी चीज़ों के साथ एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ती है और वो है आईलेट्स। तो चलिए जानते हैं आईलेट्स एग्ज़ाम क्या है और यह क्यों और कहां आवश्यक होता है। तो चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आईलेट्स यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए यह पता किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इंग्लिश लैंग्वेज का कितना ज्ञान है। साथ ही कुछ देशों में जहां बात करने के लिए और ऑफिस के काम काज करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना आवश्यक है, और वहां पर अगर कोई काम करना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अंग्रेजी ज्ञान का होना आवश्यक होता है। यही परखने के लिए कुछ देश काम के लिए और स्टडी के लिए आईलेट्स एग्जाम की मांग करती है। मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए में किसी फर्म में काम करने के लिए या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आईलेट्स एग्जाम का पास करना जरूरी है। इसके रिकॉग्नाइज की बात करें तो यह कोर्स इन सभी देशों में किसी कंपनी, यूनिवर्सिटी और दूसरी सरकारी संस्थाओं में मान्य होता है। आईलेट्स दो तरह का होता है, जिसमें से एक होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग, और दोनों तरह के कोर्सों में एक जैसे ही कुछ सेक्शन होते हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपको पहले लिसनिंग का पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम, फिर स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार एग्ज़ाम करने पड़ेंगे। तो लिसनिंग में आपका चार सेक्शन होते हैं और जिसमें 40 क्वेश्चन पर सेक्शन होते हैं और 30 मिनट का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद स्पीकिंग होती है, जो 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद रीडिंग और राइटिंग आती है, जो जनरल ट्रेनिंग में सेक्शन होते हैं। ओके, इसके बाद है एकेडमिक टेस्ट। यह टेस्ट उन लोगों का लिया जाता है जो किसी देश में हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहता है जहाँ की मुख्य भाषा इंग्लिश हो। और जनरल ट्रेनिंग उनके लिए होता है, यह टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो लोग पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि काम करने के लिए या किसी एक्सपीरियंस या किसी तरह की इंटर्नशिप के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट रिजल्ट के लिए अंक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको 1 से लेकर 9 तक अंक मिलते हैं रिजल्ट में। और ऐसे में संस्थान जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक जरूरी अंक आपको प्राप्त करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि आपका आईलेट्स स्कोर 7 से 8 होना चाहिए, तो आपको उसी तरह की योग्यता टेस्ट में सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर आप भी आईलेट्स करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी के आईलेट्स सेंटर से संपर्क करना होगा। और फीस की बात करें तो यह पूरी दुनिया में सभी संस्थाओं के लिए अलग अलग हो सकती है और लगभग यह 11,300 के आसपास हो सकती है। तो आईलेट्स एग्जाम के लिए टोटल 1100 से अधिक टेस्ट सेंटर्स हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसका जो स्कोर आपको मिलता है, तो उस स्कोर की वैलिडिटी 2 साल तक होती है। इसमें आपको 0 से 9 तक अंक मिलते हैं, जो 0.1 अंक तक हो सकते हैं, जैसे कि 6.5। और बात करें तो इसके 10,000 से ज़्यादा इसकी संस्थाएं और कॉलेज और सरकारी संस्थाएं इसे मान्यता देती हैं। और दोस्तों, आईलेट्स एग्ज़ाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये मेरा ब्लॉग है abidtechnical.blogspot.in। इस पे जाकर आप आईलेट्स एग्ज़ाम की सारी जानकारी पता कर सकते हैं कि इसे पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या होता है और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़, एंड सब्सक्राइब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Thank you very much and keep sharing, keep loving. Tab tak ke liye sayonara and bye.